Toma. उठ जाए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ जाए, सुबह हो गई है। ना काम करे ना, मुझे बड़ी नींद आई हुई है जी। ये क्या वीडियो? आज मॉर्निंग रूटीन ना शेयर करनी है कि क्या हम करते हैं मॉर्निंग। बंदा बता देता है, इतनी नींद आई हुई है, पता क्या आंखें सूजी हुई है मेरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो उन्होंने पट मारा है मुझे सुबह सुबह। खुद कब उठे हैं आप? अभी उठा हूँ, 10 मिनट हुए। अच्छा, टाइम क्या हो गया? टाइम देखती हूँ मैं, 10 हो गए हैं जी इधर के। चले अब मैं उठती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। बड़ा तंग किया यार, लौटने देना था आपने जी। तो मेरी इधर सुबह होती ही ऐसी है, जब तक मैं बाहर का सीन ना देख लूँ, इतना मजे का और फ्रेश होता है ना, मतलब अब उठी हूँ हिम्मत ही नहीं है बिल्कुल। तो बहुत ही मतलब ना, बंदा फ्रेश हो जाता है एक बार देख के। और आज ऐसे फील हो रहा है जैसे धुंध धुंध निकली हुई है ना, ओ इतनी धूप और रश भी है। लोग बेचारे जिन्होंने अपना बिजनेस करना है कर रहे हैं, सुबह टाइम हो जाती है, ठंड फील हो रही है। और ये बस साइकिल करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं होटल पे खाना खाने, तो मैं गैस करती हूँ कि हमारा कौन सा होटल रूम होगा, तो मतलब बड़ा मजा आता है। सुबह सुबह आपके बाल ऐसे होते हैं जैसे मेरे जो है बिखरे हुए हैं, क्योंकि मैं इसमें मुझे बताइएगा, ऐसे ही होता है बस। बंदा ना बस वो बड़ी अजीब हालात होती है। स्कूल कॉलेज जब जाना होता था तब तो सुबह सुबह प्रॉपर छुट्टियां करते थे, और ये वो आप तो वो कोई सीन नहीं है। तो हम रात को वैसे डिस्कस कर रहे थे, मॉर्निंग रूटीन जो है अपनी शेयर कर लेते हैं। तो रात को ये अलार्म भी लगा के सोए हैं, मुझे नहीं पता था इतना सीरियस हो जाएंगे। 8:30 फिर सुबह जो है अलार्म हुए, और ये भी बंद की है इन्होंने, सो गए। तो चले आज ही चलते हैं, अब अंदर और देखते हैं अंदर की हालात। थोड़ा फेस वॉश कर लेते हैं अपना। ये कल मैंने शर्ट धोई थी, सरफ जो है ये इधर पड़ा हुआ। मेरे बाल भी खराब हुए। मेरे भी तो खराब हो गए, ये देखे। जैसे प्रॉब्लम ही होती मुर्गियों की और वो अंदर नाच रही है उसकी। वो सीन बना हुआ सच में। तो चलिए सबसे पहले हम जो है ब्रश करते हैं। रात को नींद नहीं आती, मतलब मुझे भी पेस्ट वगैरह लगवा दे। अच्छा अच्छा ये आपका पेस्ट लगा दिए, इसको पकड़ ले। डांट डांट कर रहे जी। तो सर्दी में सबसे मुश्किल काम ये होता है फेस धोना। मैं आपको फेस धोने के बाद मिलती हूँ। तो ये सारी डिवाइसेज है, और सुबह सुबह उठ के ना इनको पहले चार्ज किया जाता है। देखिए आईपैड सबसे जरूरी है, और यहाँ से मैंने उठा के भी हैंड फ्री ऐसे रखी है। तो कह रहे आराम 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 से, यानी इसको ना खेचलना पहुंचे बिल्कुल। तो मेरा इन्होंने उतार दी सेल्फ चार्जिंग, देखे ना इंसान फिर कीमता। जर्सी मैंने पहन ली है, मुझे ठंड लग रही थी। चलिए अब नाश्ता लेने चलते हैं, और ये मास्क पकड़ेंगे। वैसे तो हम लोग जो है कि मतलब घर ऑर्डर भी कर सकती है, लेकिन हम लोग से बाहर निकल जाती है, बंदे का माइंड जो है काफी फ्रेश रहता है। और ना मतलब बाहर का थोड़ा सीन लेना चाहिए, थोड़ी ठंड और बाहर की हवा लगवानी चाहिए अपने आप को। तो साथ में जो कपड़े हैं ये भी देने हैं हमने ड्राई क्लीनर को जी। तो सर्दियों में सबसे बड़ा दुख चश्मिश लोगों के लिए ये होता है कि वो एक सांस लेना सारा चश्मे पे धुआं। पर मैं अपने मजे की चीज दिखाती हूँ, इसका हाल देख लोगों ने ऐसे बेकार करके छोड़ा। मैं नहीं कर रही। अब हम लोग चलते हैं लिफ्ट में, ठीक है? और जीशान ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे, अच्छा किए। तो अंदर वाला जो था ना ये बिल्कुल भी ठीक था। आए
अपने हाथों को जो है अच्छे से सैनिटाइज कर लिया करे। सैनिटाइज बाकी लोग करते हैं जिसकी वजह से इसका जो है ना हालात ही खराब हो। कपड़े मैं नीचे फेंक दिए थे कि मैं आराम से करना, आप भी कर ले। बटन दबाया ही नहीं हमने। शाब बाबा, मैं कह रही थी कि मतलब मूव ऑन नहीं हो रही हम लोग। अगले दिन हम लोग नाश्ता लेने आए थे, मतलब रात का खाना, तो लोग इसके आगे खड़े होकर पिक्चर्स बना रहे थे, मेरी भी बनाए। ये फर्नीचर पड़ा हुआ बहुत ही। मॉर्निंग वॉक जो है आपको लाजमी करनी चाहिए। इधर हम लोग एक जो है स्ट्रीट ही समझ लें, इधर से गुजर रही हूँ, ठीक है। और सुबह वॉक करके वैसे बहुत मजा आता है सच में, बंदा फ्रेश है, काफी रहता है। और छोटे छोटे बच्चे जो है ना साइकिलिंग कर रहे हैं, और धूप भी निकल आई है। देखिए घर के करीब ही होटल है हमारे, मतलब होटल से नजर आता है सामने वाला खाने वाला होटल। और इधर हम लोग जाते हैं रोज, और आज आपको भी दिखाते हैं, बताते हैं इधर का टेस्ट जो है ना वो कैसे है, और खाना कैसे मिलता है, नाश्ते में क्या क्या होता है, दिखाएंगे आज आप लोगों को लाइव। सब वीडियो को स्किप ना करें, साथ साथ रहें। ये रेस्टोरेंट सफरा अल खान रेस्टोरेंट, इधर से हम लोग खाना लेते हैं, और साथ में काफी ज्यादा शॉप्स हैं। और अभी जो है ना नाश्ता 11 बजे तक होता है, उसके बाद बैन हो जाता है, फिर दोपहर का खाना होता है। तो ये है कि 11 तक आप ले सकते हैं सारा इधर का मेन्यू, साथ साथ प्राइसेस जो है वो भी मेंशन है हर चीज की। ये देखो जब लेना चाहते हैं ना आपको इजीली इधर से मिल जाएगा। और ये देखिए तो बकरा 1 रुपए का, मतलब क्या, ये अंदर जनाब वेट कर रही। जी तो ये होटल वाले बंगाली हैं, और इनकी लैंग्वेज इतनी मज़े की है, नहीं समझ बात की नहीं आती। तो शाम 4 घंटा खड़े रहते हैं, कभी उर्दू बोलते हैं, कभी इंग्लिश, कभी पंजाबी, तब उन्हें जाके समझ आती है इस बंदे ने ये चीज़ लेनी है। और अभी ये कह रहे हैं कि हमारे पास चेन कभी इनके पास होता है नहीं होता, तो मतलब सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाई हुई है। इन सब की लैंग्वेज बहुत ही मज़े की और क्लास की है सच में, और शान जैसे इनके साथ डील करते हैं। इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे ऑर्डर देते हैं। तो ये अब उन्होंने अपना पार्सल जो है पैक करा लिया है, मैं बाहर खड़ी हुई थी, मैंने जो है क्लिप बना लिया। रश नहीं होता इधर इतना ज़्यादा, क्योंकि लोग जो है चले जाते हैं, फिर पीछे सिटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, उधर बैठ के आराम सुकून से खा लेते हैं। तो जनाब जो है अपना जो है खाता क्लियर करा रहे हैं सारा, और ले लिया है खाना। आंखें खुल नहीं रही मेरी, मास्क नीचे उतर है, नाश्ता मैंने पकड़ा हुआ, देखिए खुद इन्होंने जो है गर्म गर्म चाय पकड़ी हुई है। चाय गिर जाती है, चाय बड़ी दुनिया की कीमती चीज है, आपको पता है। इतनी आप चैरिटी लेवर हो गए हैं। हाँ जी, मेरी आंखें नहीं खुल रही है, ऐसे सुकून। इसलिए तो सामान पकड़ाया हुआ कि आपकी आंखें खुल रही है। बाकी नाश्ता है जो सिंपल शाम करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमने फिर दोपहर का खाना खा लेना, ठीक है। ये 2 हाफ फ्राई एग है, साथ में योगर्ट, ये इनके लिए टी है, मुझे आपको पता है मुझे तो पसंद ही नहीं है। और ये साथ में जो है ना 2 पराठे हैं सिंपल, और साथ में पानी की बॉटल जो थी ये भी लेने वाली थी। तो चले अब हम लोग अल्लाह का नाम लेते हैं, नाश्ता करते हैं, और फिर नाश्ते के बाद आपसे मिलते हैं। मुझे खपा रही है जी। तो शुक्र है अल्लाह का, नाश्ता जो है वो हो गया, और जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्लाह पाक बस हमारे और सबके रिस्क में बरकत दे, और मजा आ गया एक बार। तो अब ये है कि रूम की मैंने करनी है सेटिंग, क्योंकि जो रूम की क्लीनिंग वाले आ जाते हैं, तो चले उठ के जल्दी जल्दी सेटिंग करते हैं। बैठी थी तो तेरी बैठी रहूंगी, और आ जाए आप। रात को लिया थी फ्रूट, ये सारा फ्रूट इसी में है, ये मैं निकाल के किस चीज में रखती हूँ ताकि खराब ना हो जाए, कुछ इसमें है। ये आपकी अम्मी देख रही होंगी भाई, ये प्लेट खा के उधर इसने रख दी है। ये मैं रात को सो गई थी तो ये खाते रहे थे। आपने ऐसे रखती है? हाँ बिल्कुल, कोई ऐसे भी रख देता है। ये जो है ये भी हमारे फाइनली जो है ना फिनिश होने वाले हैं, पानी की बॉटल भी इस ग्रीन बॉक्स में। आईपैड को ना छेड़ना बस, बस ठीक है। और मास्क जो है ना ये एक ही तो है जो आईपैड, जो मुश्किल वक्त में जब तुम नहीं थी तो मैं सुकून से गेम खेलता था। अच्छा सही है, ठीक हो गया। तो जो मास्क है ना वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ऐसे। और साथ में ड्रॉअर में भी काफी चीजें रखी हुई हैं, ये सारे कार्ड्स हैं जिधर से हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक है। और साथ में ब्रश, ये चीजें उठा के मैंने रखनी है अपनी,
इसका तो कोई हाल नहीं। बेड की हालत देख ले माशाल्लाह। एक बार मतलब तैयार होना हो तो सारा वो मेकअप वाली साइड वो तो सब कुछ खराब हो जाता है। ये अपने कपड़े हैंग करते हैं कहीं पे। ये बेचारे बड़ा दलील होना इन्होंने भी। क्यों? हर नाइट ड्रेस जो है ना वो मैं 3-4 साल चलाता हूँ। नाइट ड्रेस ऐसी होता है कौन सा कोई सी नहीं देखना ना वही ना। तो ये वही है जो भाई ने हमें दिया था और हमने अभी तक रखा हुआ संभाल के। ठीक है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। भाई ने जो है ना बस निशान कहती है कि रखना है तो मेमोरी एज ए मेमोरी हमने रखा हुआ है। ये सारे थे खाने के बर्तन, ये थी द बॉटल्स, ये रोज चेंज कर जाते हैं। आज हमने चाय नहीं बनाई भाई से मंगाई है। योगर्ट मैं रखती हूँ अंदर। ये अपने से जितनी चीजें होती है लॉक मेरे टेबल पर रख देती है। ये हम डेजर्ट भी सफारी किए थे जो पानी का बड़ा मजे का ही दिया था। यहाँ पे मस्जिद वगैरह में भी यही पानी मिलता है। अच्छा बड़ी अच्छी बात, बड़ा इजी है पीना। ने आके मुझे इधर जवाब दे दिया बिल्कुल एंड टाइम पे। ये पानी की बोतल इधर इसका फेंक करती है बास्केट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूम जो है सारा सेट हो गया, मतलब एकदम क्लियर हो गया सारा। और मेरा यही काम होता है कि मैंने डस्टिंग करनी है, सेटिंग करनी है अपनी, और वो आके सिर्फ क्लीनिंग करते हैं। वो जिस टाइम मर्जी है मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, और एक और बात मैंने आपसे ये करनी थी कि हम लोग हालांकि होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं तो साथ नाश्ते का सीन भी तो होना है जाहिर बात है। और ये है जो है इधर सारा इनका मेन्यू कार्ड भी पड़ा हुआ है। इनकी जरा मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ। ठीक है देखें 36 dirham 20 dirham मतलब इतने की इतनी एक्सपेंसिव चीजें हैं। और इससे अच्छा नाश्ता हम लोग जो है वो बाहर कर लेते हैं जो कि ऑलमोस्ट ये कह लें कि रोज का 10 dirham का बन ही जाता है। और अच्छा भी होता है और एक पंजाबी जो है ना खाना होता है जिसे हम लोग बहुत मिस करते हैं अक्सर ऐसा हो जाता है। ठीक है, और बहुत ही मजे का होता है। और चले हम इसलिए नहीं करते कि मतलब हम एक तो हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है जी। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलूंगी अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।